जयपुर पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकड़ी द्वारा जनपद में अपराध व अपराधियों पर लगाए जाने वाले अंकुश के तहत अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी व क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली माहौली संजय कुमार पांडे के नेतृत्व व उनकी सहयोगी टीम ने ग्राम नटपुरा में दबिश देकर दो व्यक्तियों को 7 अदद विभिन्न बोर के अवैध तमंचे, 1 अदद अधभना तमंचा एवं तमंचा बनाने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया। तो अभियुक्तगणों ने बताया कि वह अवैध तमंचे बनाकर उन्हें उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में भेजा करते थे। अभियुक्तगणों ने बताया कि इससे पहले भी असलहा बनाकर कई लोगों को दे चुके हैं। हो रहा हो सीतापुर जनपद में वर्तमान पुलिस अधीक्षक ने कानून का राज कायम कर दिया है, जैसा कि वर्तमान सरकार की मंशा थी कि भय मुक्त वातावरण प्रदेश की जनता को देने का था। आज उसी मंशा के अनुरूप सीतापुर पुलिस उत्तर प्रदेश सरकार के साथ कदम ताल मिलाकर चल रही है, जिससे अपराधियों में खौफ व्याप्त हो चुका है। सीतापुर से राम सागर पाल की रिपोर्ट, SKH न्यूज। महोली थाने में आज अपराधियों के खिलाफ जो चल रहा अभियान है उसके क्रम में छापेमारी कर एक अवैध इलीगल आर्म्स फैक्ट्री का जो है खुलासा हुआ है और इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और उसके साथ तमंचे बरामद हुए हैं और एक अधभरा तमंचा और फैक्ट्री का काफ़ी सामान जो है भारी मात्रा में जो है पुलिस ने बरामद किया है। ये अभी पूर्व में भी जेल जा चुके हैं और ये शातिर अपराधी है और पिछले कई दिनों से ये काम कर रहे थे और आसपास के जनपदों में लखीमपुर, शाहजहाँपुर और सीतापुर में भी ये इलीगल आर्म्स का सप्लाई कर रहे थे तमंचे बना के लोगों को बेचने का काम। पुलिस को एक अच्छी कामयाबी इसमें मिली है और जो टीम है उसको मेरे द्वारा 15,000 रुपये के